हे गाइस, मेरा नाम है शुभदीप मन्ना और वेलकम टू Nh6 Talkies। सो बेसिकली पिछले कुछ महीनों से मैंने और मेरे दोस्तों ने नागपुर सिटी के आसपास के सभी टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट और एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, और आज उसी के बेसिस पे मैं आपको हमारे पांच सबसे बेस्ट ट्रिप्स के बारे में बताऊंगा। इवेंचुअली अगर आप ये जगह पहले विजिट कर चुके हैं तो आपका ओपिनियन शायद थोड़ा डिफर कर सकता है, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने इन पांच जगहों को सॉर्ट आउट किया है। और अगर आप कभी अकेले या फ्रेंड्स के साथ प्लान बना रहे हो तो ये पांच जगह आपको ज़रूर विजिट करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल, नंबर पांच पे एक बहुत ही खूबसूरत शिव मंदिर है जिसे सूराबर्डी शिव मंदिर भी कहते हैं। ये नागपुर सिटी से 15 किलोमीटर्स में आता है और सिटी के भीड़ से दूर होने के कारण ये काफ़ी शांत और पीसफुल जगह है। वैसे बेसिकली ये एक आश्रम है सुधांशु जी महाराज का, और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है। इस टेंपल का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस टेंपल के अंदर बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ 12 शिवलिंग है जो एक गुफा के अंदर रखा और बनाया गया है। ये गुफा बेसिकली एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड गुफा है, और मेरी माने तो ये आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। सिटी के काफ़ी पास होने के कारण यहाँ मैं ओकेजनली विजिट करता रहता हूँ, और मुझे हमेशा ये जगह बहुत अच्छी लगी। ये एक बहुत ही पीसफुल जगह है और अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन, तो शायद इसलिए ये मेरे नंबर 5 लिस्ट पे। Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, go fire away, away. But I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight. वेल, नंबर 4 पे है जामसावली वाटरफॉल्स, जिसे यहाँ लोकली घोगरा वाटरफॉल भी कहते हैं। नागपुर के आसपास ये एक इकलौता वाटरफॉल स्टेशन है, वो भी अगर बेटर होगा कि आप मानसून सीजन में विजिट करें तो। बेसिकली जामसावली फॉल्स जामसावली हनुमान मंदिर के पास है, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर मंदिर है, और ये मध्य प्रदेश की रीजन में आता है और अराउंड नागपुर से करीब 70 किलोमीटर्स में। ये काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है, स्पेशली मानसून के सीज़न में एक बार देखना तो बनता है। ये ट्रिप हमारे काफ़ी अनप्लान ट्रिप्स में से एक था, तो शायद हम इस जगह को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट ओवरऑल ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और इसलिए शायद ये मेरे नंबर 4 लिस्ट पे है। वेल, घोगरा महादेव एक काफ़ी पुराना शिव मंदिर है जो कनान नदी के आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है। ये नागपुर सिटी का सबसे शॉर्ट रोड ट्रिप पिकनिक स्पॉट है, जो कि अराउंड 42 किलोमीटर्स में ही आ जाता है। यहाँ बेसिकली आपको सब कुछ मिलेगा, काफ़ी बड़े ग्रेनाइट रॉक्स के बीच से ट्रैकिंग करना हो, या नदी के शैलो पानी में इंजॉय करना हो, या नेचर के बीच अकेले बैठ थोड़ा टाइम स्पेंड करना हो। आई गेस इससे बेटर जगह कहीं नहीं। ये एक कम्प्लीट फैमिली पिकनिक स्पॉट है, और मेरी माने तो ये एक फुल डे स्पेंड करने वाला लोकेशन है। मेरा ये ट्रिप काफ़ी अनप्लान ट्रिप्स में से एक था, बट मैं पहले भी यहाँ काफ़ी बार आ चुका हूँ और हमेशा मुझे ये जगह काफ़ी अच्छी लगी है। बट वही, जैसे जैसे ये जगह पॉपुलर होती जा रही है, लोग ज़्यादा आने से ये जगह ज़्यादा पल्यूट करते जा रहे हैं,
बट ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी जगह है और आप अगर एक नेचर लवर हो तो ये जगह आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए और इसलिए ये मेरा नंबर 3 लिस्ट पे है। नंबर 2 और नंबर 1 स्पॉट डिसाइड करना मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट आई गेस बो डैम मेरे सारे ट्रिप्स का सेकंड बेस्ट आउटिंग ट्रिप था। ये एक बहुत ही फेमस और अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ एक कंप्लीट टाइम स्पेंड करने वाला लोकेशन है, बट इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसका क्लियर डैम वाटर है एंड आई गेस नागपुर के आसपास ऐसा कोई डैम नहीं जिसका पानी इतना साफ हो जैसा बो डैम का है। नागपुर से 70 किलोमीटर्स में ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और इस डैम का पानी सेफ है नहाने के लिए। बोर डैम की एक और खासियत यह है कि यहाँ एक बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जहाँ आप अपनी खुद की व्हीकल या कोई रेंट वाली व्हीकल लेके विजिट कर सकते हैं और नेचर के बीच थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। हमारा ये ट्रिप एक प्री प्लान ट्रिप में से एक था, ये एक फुल डे पिकनिक स्पॉट है तो हमने भी इसे एक फुल डे आउटिंग ही कंसिडर किया। मैं पहले भी बोर डैम काफ़ी बार आ चुका हूँ और मुझे हमेशा ये जगह बहुत अच्छी लगी है, फिर चाहे मैं अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ही क्यों ना हो। ओवरऑल ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल डैम है जो पिकनिक मनाने के लिए सबसे बेस्ट है, इसलिए ये मेरे नंबर 2 लिस्ट पे है। ओके सो मैंने एक रीज़न के कारण ये 5 जगह चूज़ किया था। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने एक मंदिर, एक वाटरफॉल, एक रिवर, एक डैम और अब मेरा फेवरेट एक फॉरेस्ट माउंटेन ट्रैकिंग लोकेशन जो कि नंबर 1 पे कुवारा भीसेन को चूज़ किया है। कुवारा भीसेन बेसिकली एक छोटा सा गाँव है जो कि पंच रिवर के किनारे बसा है। यहाँ एक भीसेन मंदिर है जो कि इस जगह का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। नागपुर से अराउंड 60 किलोमीटर्स में एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्पॉट है, बट इस जगह का मेन अट्रैक्शन इसकी ट्रैकिंग है जो कि नेचर लवर्स और ट्रैवलर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये ट्रैकिंग बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, डीप जंगल के बीच से एकदम अकेले जाना अपने आप में ही अलग एडवेंचर है। टॉप पे अगर आप सही सलामत पहुंच जाओ तो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा जो कि बिल्कुल वर्थ है इतना ऊपर चढ़ने के बाद एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे इतनी ऊपर ट्रैकिंग का। मैं यहाँ पहले भी काफ़ी बार आ चुका हूँ और हमेशा मुझे ये ट्रैकिंग करने में बहुत मज़ा आया है। ओवरऑल ये एक बहुत ही एडवेंचरस जगह है एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। आप यहाँ अपने फैमिली के साथ आकर नेचर के बीच पूरा डे अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। नागपुर के इतने पास इतना अच्छा लोकेशन शायद ही और कोई जगह है, तो अगर नेक्स्ट टाइम आप कभी प्लान बनाओ तो ये जगह आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Running, running, no, hold on, don't let go. Running, running, no, keep running. Yeah, अरे भाई शेर मेरा क्या? प्लेन है प्लेन, चलो।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपके रिव्यूज़ लिखिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।